to the part 2 of circulatory system. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and go and watch the part 1st of this chapter to make this chapter a really interesting and a very good one. Of the heart is right in the center. देखो हार्ट सेंटर की तरफ होता है, बट जैसे अगर ये हार्ट है तो देखो हार्ट सेंटर की तरफ होता है, बट थोड़ा सा हार्ट टिल्ट होता है. सॉरी आप बन गया हार्ट ले, मतलब अगर हार्ट ये है तो ये थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट के साइड टिल्ट होता है, तो इसलिए कहते हैं इट्स प्रेजेंट इन द सेंटर बिटवीन द टू लंग्स एंड अबव डायाफ्राम. बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू लंग्स एंड अबव द डायाफ्राम. ठीक है, अब ये किससे प्रेजेंट प्रोटेक्टेड होता है? देखो हार्ट है, अब हार्ट कोई ना कोई चीज से तो प्रोटेक्टेड होगा, ऐसा तो ना हार्ट होगा. जैसे कि हम लोग का ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है, वैसे हार्ट प्रोटेक्टेड होता है बाय पेरिकार्डियम. उस डबल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम. और जो भी उस डबल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम शॉक्स एंड जर्क्स, उस फ्लूइड को कहते हैं हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड. और वॉल्स बिकॉज देयर मेजर फंक्शन इज टू रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप इन टू द नेक्स्ट वेंट्रिकल्स. ठीक है, नाउ वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल्स बिकॉज दे हैव टू पंप ब्लड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस. अभी मैं अच्छे से समझा रही हूँ, बस एक मिनट जरा मुझे ये गिव रीजन खत्म कर लेने दो, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के साथ पूरा एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से. लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैव, अब देखो वेंट्रिकल्स के पास थिक वॉल्स थी, लेकिन राइट से ज्यादा थिक वॉल्स लेफ्ट के पास है. क्यों? बिकॉज इट हैज टू पंप ब्लड टू द फार्थेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे दूर की डिस्टेंस इन द बॉडी, सच एज द टो ऑफ द फीट और द ब्रेन अगेंस्ट द ग्रेविटी. मतलब सिर से लेके पैर तक, जिसे कहते हैं सिर से लेके पैर तक, वेंट्रिकल्स जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती हैं उन्हें ब्लड पहुंचाना होता है, इसलिए वो ज़्यादा थिक होती हैं. इसलिए थिक होती है क्योंकि उसमें प्रेशर उनको ज़्यादा लगाना होता है, उनकी वॉल्स फटे ना इस वजह से, ठीक है, वो थिक होती है ना. अब ये डायग्राम समझते हैं, बहुत ही अगर डायग्राम आ गया इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. ये कहते हैं बॉक्स वाला डायग्राम. तो देखो हम लोगों ने क्या लिया, इसमें हम लोगों ने लिया राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, अब मेरी बॉडी, देखो बॉडी जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ लेके जाएगी, वो लेके जाएगी राइट ऑरिकल के पास. ठीक है, राइट ऑरिकल, देखो इसने बोला था ना कि इट रिसीव द ब्लड. देखो राइट ऑरिकल कौन सा ब्लड रिसीव कर रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड. ये डी ऑक्सीजनेटेड फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में. ये कौन सी वॉल है, यहाँ पे होगी टी सी वी, स्टैंड फॉर ट्राई कस्पिड वॉल. ठीक है, बी सी वी स्टैंड फॉर बायकस्पिड. ठीक है, तो देखो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल गया, ये पता चल गया ना. अब इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स को. यहाँ से तब जो बॉडी से जो ब्लड आया था राइट ऑरिकल के पास वो था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ये किसके थ्रू गया था, ये गया था थ्रू वेना कावा. ठीक है, अब ये जो ब्लड राइट ऑरिकल ने राइट वेंट्रिकल को दिया है, ये ब्लड थ्रू पर्मोनरी आर्टरी जाएगा टू द लंग्स. अच्छा एक इसमें क्वेश्चन आता है, देखो पर्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास लेके जा रही है, इसका एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही नाइस क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला है, पूछा भी गया था एक्चुअली, कि जो भी आर्टरीज होती हैं उससे पर्मोनरी आर्टरी क्यों डिफर करती है. देखो जो नॉर्मल आर्टरी होती है ब्लड की, कोई भी आर्टरी ले लो, रीनल आर्टरी ले लो, ठीक है, वो सब करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई और सर्कुलेट. ठीक है, बट ये पर्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसके पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. सेम क्वेश्चंस कम फॉर पर्मोनरी वेन्स ऑल्सो. अगर रीनल वेन देखा जाए तो वो तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, बट पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है. ठीक है, तो इसके बाद ये किस पे गया, लंग्स के पास. आपको पता है लंग्स में जाके तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, इम्प्योर ब्लड
प्योर हो जाता है. देखो नॉर्मल तरीके से हम कहते हैं ना कि इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड, बट बायो नेवर सेस, साइंस नेवर सेस कि कुछ भी चीज़ इम्प्योर है बॉडी में. मतलब हम उसे डीऑक्सीजनेटेड या फिर ऑक्सीजनेटेड कहेंगे. सो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई. लेट मी रब दिस ट्राई कस्पिड एक्चुअली. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गए टू द लेफ्ट ऑरिकल. ये लेफ्ट ऑरिकल ने बाइकस्पेड वॉल की थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल को दे दिया. अब लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा की वजह के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी सप्लाई करेगा. अब ये बॉडी का मतलब ये नहीं कि सुपीरियर नीचे बना इन्फीरियर, तो डजेंट मीन्स कि बॉडी सिर्फ लोअर पार्ट, नहीं, हेड टू टू. तभी कहते हैं कि लेफ्ट, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल ही है ना जो बॉडी की, देखो रटोगे तो नहीं कर पाओगे. इसलिए समझो ये पूरा फ्लो चार्ट है समझने के लिए. एक बार ना समझ आए फिर से जाके देखो और अच्छे से समझो. ठीक है, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू. ठीक है, अब यही फिर से यही बात चलती रहेगी. अच्छा, आपने गौर किया कि एक बार तो यहाँ से यहाँ तक ब्लड आ गया हार्ट के अंदर, यहाँ से फिर निकल के हार्ट के बाहर जाके वापिस फिर हार्ट के अंदर आया. मतलब कौन से टाइप की सर्कुलेशन है? डबल सर्कुलेशन. ठीक है, अब डब इज ड्यू टू एरिस्टल सिस्टोल. तब एट्रिया जो हम लोगों की होती हैं ये तब रिलैक्स करती हैं सिस्टोल. ठीक है, तब प्रोड्यूस होता है डब. ठीक है, ये एट्रिया से वेंट्रिकुलर में, एट्रियम से वेंट्रिकुलर में ब्लड आ रहा है. देखो जब भी आरो नीचे होगी इसका मतलब क्या होगा? डब. तब आरो ऊपर तो लव. डप इज द सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस बाय एट्रियल सिस्टोल. और तब इसमें ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगी. देखो कभी भी ओपन होने से साउंड नहीं आता है, हमेशा क्लोज होने से साउंड आता है. तो ताली की तरह, ताली बजाते तो हाथ क्लोज हो रहा है. ठीक है, अब इसको उठाओ, कोई साउंड आ रहा है? नहीं आ रहा है. मतलब अगर हम क्लैप करते हैं कभी भी हम इसको एक पास लेकर आते हैं, मतलब क्लोज कर. अगर हम इसको उठाएं कोई आ रहा है? ओपन कर, नहीं आ रहा. ठीक है, एरो नीचे इसका मतलब डब एट्रियल सिस्टोल की वजह से होता है. अब क्योंकि तब यहाँ पे एएसएलवी मतलब एओर्टिक सेमीलूनर वॉल्व, सॉरी एओर्टिक सेमीलूनर वॉल्व एंड पल्मोनरी, यहाँ पे पी सेमी लूनर वैल. देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा पीएसएलवी, दिस इज पल्मोनरी सेमी लूनर वैल. तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जा रही हो, यहाँ पे देखो एओर्टा जा रहा है, इसी के पास यहाँ पे रहा एओर्टिक सेमी लूनर वैल. ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से मार्क करा है, दिख रहा होगा आप लोगों को आई थिंक. सो नहीं दिख रहा होगा मैं तो मैं जूम कर दूंगी अभी. ठीक है, एडिटिंग इसकी क्लोजिंग होने से हम लोगों को डब मिलता है. लव इज द फर्स्ट. और देखो जैसी बुक में आपके जिस हिसाब से बना था मैंने वही सेम तरीका बनाया है कि अगर आप ऐसे बच्चे हो जो बुक से बिल्कुल रट के जाते हो तो उस तरीके से आपको समझ आ जाए. लव इज ड्यू टू वेंट्रिकल सिस्टोल, ये ऐसे. ठीक है, क्योंकि तब एट्रियल सिस्टोल होगा का मतलब वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, बट हमेशा सिस्टोल पे ही मास मिलेंगे आप लोगों को. तो इट्स वेंट्रिकल सिस्टोल. फर्स्ट हार्ट साउंड इज लव डब. नहीं धक धक वाला कोई साउंड नहीं होता है, दैट्स नॉट रियल. ओके, दैट वॉज जस्ट अ सॉन्ग. रियल साउंड इज लव डब, एल यू डी बी एन टी यू पी, एल लव फिर डब, लव फिर डब. ठीक है, लेट मी रब इट, कंफ्यूजिंग नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं. ये आपको पता चल गया. अब यहाँ पे अगर हम लोगों का एओर्टिक सेमीलूनर वॉल्व क्लोज हो रही होगी मतलब कि इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो रही होगी और बाइकस्पिड. ठीक है, अब आते हैं अरेंजमेंट. ये अरेंजमेंट और ये तो आना ही अरेंजमेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. हम लोगों ने क्या देखा कि अगर फर्स्ट साउंड है, देखो ये रहा, तो देखो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें पढ़ा एट्रियल सिस्टोल. तब एट्रियल सिस्टोल हो रहा होगा, उसी के साथ क्या हो रहा होगा? वेंट्रिकल डायस्टोल. मतलब अगर एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकल डायलेट कर रहे हैं. ठीक है, मतलब ओपन हो रहे हैं. ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल. तब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, उसके बाद क्या होगा? एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो ए एस वी एस सॉरी ए जी ए एस वी जी
AGVS देखो सिंपल है, तब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल रिलैक्स, अब वेंट्रिकल, अब उसके बाद फिर एट्रिया के बाद ये आई, तब एट्रिया बिल्कुल रिलैक्स हो रहा, तब एट्रिया रिलैक्स हो रहा तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, इट्स लाइक दिस, ये रहा एट्रियल सिस्टोल, अब इसके बाद ये रिलैक्स कर रहा है, ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, डायस्टोल सॉरी वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अब एट्रिया रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, सॉरी तब एट्रिया रिलैक्स होगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, ये रहा डायस्टोल, ठीक है, तो तब एट्रिया सिस्टोल हो रहा होगा तो वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, अब तब एट्रिया डायस्टोल होगा तो वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, बस यही है। अब आ जाते हैं, देखो अगर पेपर आपका टफ बनाना है तो तब तो ये कॉर्डियन टेंडन ही पूछेंगे, ना तो वैसे तो नहीं पूछते, बट ईजी है, याद हो जाएगा, क्योंकि ये एजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं कि मे बी वो पूछ लें, क्योंकि हम लोगों में भी एक डाउट था कि मे बी ये पूछे ना पूछे, बट हम लोगों का माइंड वॉज कि प्रिपेयर रहो, मेंटली प्रिपेयर रहो, तो कॉर्डिया टेंडनी इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पापुलरी मसल्स, जो हार्ट में जो पापुलरी मसल्स होते हैं उसके बेस पे प्रेजेंट होता है कॉर्डिया टेंडनी, देखो घबराओ मत, लेबल करने को नहीं आया, तो इट्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पापुलरी मसल्स बेस, ठीक है, फिर आता है फंक्शन, जो एवी वाल्व है, एट्रियल वेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियल वेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियल वेंट्रिकुलर इन पोजिशन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्लैक फिल्टरिंग टू एट्रिया, ठीक है, एट्रिकल वेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रिया वेंट्रिकुलर वाल्व है, उसको बिल्कुल अपने पोजिशन में रखता है, उसको बैक फ्लिप नहीं होने देता है इन टू एट्रिया, ठीक है, वेरी क्लियर, इसका फुल फॉर्म और ऑड वन आउट आएगा, मतलब आपको तीन तो सेम दे देंगे, एक कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है, अब पहला है SN, दैट इज साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, पहला हार्ट का पेस मेकर कौन सा है, साइनो एट्रियल नोड, सेकेंड कौन सा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, अभी हम लोगों ने इसके बाद नहीं अच्छा इसके बारे में नहीं करती, चलो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, इसके बाद आता है H, दैट इज बंडल ऑफ हिस, HIS नॉर्मली हम बोलते हैं, बट हम इसको लिखेंगे क्या, बंडल ऑफ हिस, देखो ये ऑड वन आउट जो फुल फॉर्म में तो आना ही आना है, दीज आर द टू जो फुल फॉर्म में पूछे जाएंगे, ये तीनों ऑड वन आउट में आएगा, इसके साथ एक और कुछ आपको दे दिया जाएगा, वो आपको बताना होगा कि कौन सा गलत है, ये तो आप तुरंत बता दोगे, ठीक है, फिर आते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, हम लोगों को पता है कौन सी ट्री ब्लड वेसल्स होती हैं, पहली आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ठीक है, Now an artery is a vessel which carries blood away from heart towards any organ. जो artery होती है वो heart को away from the outstick blood from away from the heart to the organ. ठीक है, अब ये थोड़े diagram है जो आपको बिल्कुल ध्यान से देखने हैं, देखो पहला जो outer covering है जो artery की और जो vein की उसे हम कहते हैं tunica externa. फिर आता है ट्यूनिका मेडिका, मतलब मीडियम है तो उसे कहते हैं ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका मेडिका, बट आप लोग मीडिया याद रखो, मीडिया वाले हर जगह आ जाते हैं ना हमेशा, देखो सबके बीच में मीडिया वाले घुस जाते हैं, दो लोग लड़ रहे हैं मीडिया वाले घुस गया, इजंट इट, तो वैसे इसके बीच में भी मीडिया, ठीक है, उसके बाद आते हैं जो बाहर की अंदर की लेयर होती है उसे कहते हैं ट्यूनिका इंटरना, ठीक है, अब ये पार्ट होता है ल्यूमेन, द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन के डायग्राम है कि जो आर्टरी का ल्यूमेन होता है बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही पतला, बहुत ही छोटा होता है, बट जो वेन का होता है वो वाइडर ल्यूमेन होता है, ठीक है, अब आते हैं आर्टरी, आर्टरी के अंदर थिक मस्कुलर वॉल होता है और वेन के अंदर थिन मस्कुलर वॉल, ऐसी कोई है जिसके अंदर मस्कुलर वॉल ही नहीं प्रेजेंट है, ऑफकोर्स है, जिसे हम लोग कहते हैं कैपिलरी, ठीक है, ना अब एक डायग्राम जो है बहुत रेयर पूछा जाता है, बट अगर पूछ गया तो देखो वेन का एक डायग्राम होता है, अगर इसमें साइन ऊपर की तरफ है, मतलब हार्ट ऊपर है, साइन नीचे, तो मतलब हार्ट नीचे, ठीक है, दैट्स इट, उसमें कुछ है नहीं, तो
जो वेन होता है उसके पास थिन पॉकेट्स होती हैं, पॉकेट शेप्ड वायर हुज ओपनिंग फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हार्ट. मतलब अगर अगर वाल्व ऊपर की तरफ ओपन है मतलब तो हार्ट ऊपर है, अगर वाल्व नीचे की तरफ ओपन है तो हार्ट नीचे. ये बुक में डायग्राम बना हुआ है, ठीक है. तो ये थोड़ा सा है, याद रखो, इसमें कुछ ऐसी चीज़ है नहीं जो बिल्कुल बिल्कुल रटने वाली है कि हाँ अच्छे समझ नहीं आ रहा है. मतलब अगर ऊपर की फेस कर रहा है मतलब ऊपर वाल्व ओपन है तो मतलब कि हार्ट ऊपर है, अगर नीचे है यारो तो हार्ट. अबाउट पल्स, सो इट इज एन अट्रैक्शन, ओके, ऑपरेशन एंड इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टम. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कब होता है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टम. सो इट इज एन अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन फॉर एक्सपैंड करना कोई चीज को, उसके बाद इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द वॉल्स ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टम. नाउ पल्स इज जनरेटेड बाय सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स. देखो आपको पूछा जाएगा कौन से वेंट्रिकल, तो आपका आंसर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, एलवी स्टैंड्स नॉट लोअर अथॉरिटीज, लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू आयोटा टू बॉडी पार्ट्स. अब आते हैं ब्लड प्रेशर. नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 और यू कैन से 120 और 80. बट किसी को अगर हाइपर ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, कौन से वेंट्रिकल, तो आपका आंसर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, एलवी स्टैंड्स नॉट लोअर अथॉरिटीज, लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू आयोटा टू बॉडी पार्ट्स. अब आते हैं ब्लड प्रेशर. नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 और यू कैन से 120 और 80. बट किसी को अगर हाइपर ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन ले लिया बंदे ने या बंदी ने, तो फिर उसके बाद कितना होगा, 140 और 90. ठीक है, चलो. ब्लड प्रेशर, इट इज अ प्रेशर विच इज ब्लड इज फ्लोइंग इन द आर्टरीज एक्सट्रैक्ट एज देयर वर्क. देखो तब ब्लड आर्टरी से फ्लो करेगा, जो भी प्रेशर वो लगाएगा उसे कहेंगे हम लोग ब्लड प्रेशर. आप दिख रहा है, चलो. सो ब्लड प्रेशर, इट इज अ प्रेशर विच इन द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज एक्सर्ट ऑन देयर वॉल्स. मतलब जो भी प्रेशर, जैसे कि आर्टरी है, तो जो आर्टरी के वॉल पे जो भी प्रेशर लगेगा थ्रू द ब्लड, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे ब्लड प्रेशर. थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ मैं डायग्राम को. तो अगर ये देखो, ये वॉल्स ऑफ आर्टरी है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है. ये जो प्रेशर लगाएंगे ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी, उससे हम लोग क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर. ब्लड मूव करता जा रहा है, जो प्रेशर लगाएगा उसे कहेंगे. देखो तो ऐसे भी प्रेशर लग सकते हैं, और इसकी डायग्राम की लाइन थोड़ा इधर भी लग जाएगा, और क्या, ठीक है. ये तब नीचे जा रहा होगा, ये तब ऊपर जा रहा होगा, ठीक है. अब सिस्टोलिक प्रेशर को हम लोग अपर लिमिट कहते हैं, जैसे कि इसमें अपर लिमिट कौन सी है, 120, ये रहा सिस्टोलिक प्रेशर. डायस्टोलिक जो हो गया लोअर लिमिट, ठीक है. अब ये नॉर्मल पर्सन की है, और इसके अंदर हाई बीपी, हाइपरटेंशन जिसने ले ली उसका 140 90 जाएगा. कहते नहीं, हाई ब्लड प्रेशर हो गया भाई, से पानी दो, उसका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कूल डाउन करो, उस समय क्या होता है, 140 और 90 आपको लगेगा 10 का तो डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है. अब आते हैं स्प्लीन की बारी. स्प्लीन इज अ लार्जेस्ट लिम्फैटिक ऑर्गन, रेडिश ब्राउन इन कलर. कौन से कलर का स्प्लीन होता है, रेडिश ब्राउन. अब नॉर्मली नहीं पूछेंगे कि स्प्लीन के बारे में बताओ, बट पूछेंगे कि लार्जेस्ट लिम्फैटिक ऑर्गन कौन सा है, तो आपको पता चलना चाहिए कि लार्जेस्ट लिम्फैटिक ऑर्गन स्प्लीन है. अब स्प्लीन, अच्छा ये याद रखना कि स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ये लिखोगे थोड़ा सा ज्यादा इंप्रेशन पड़ जाएगा टीचर, ऑफकोर्स. द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, शुड आई राइट इट ओवर, वेट आई विल राइट इट. देखो मैं लिख दे रही हूँ स्प्लीन को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेवयार्ड, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है. नाउ सिचुएटेड इन द अबडोमन रीजन बिहाइंड द स्टमक अबव द लेफ्ट किडनी. बेटा ये आएगा ही आएगा. ये देखो स्प्लीन को मैंने डबल टेक विद अ हाईलाइटर किया हुआ है, क्योंकि स्प्लीन इज सो इंपॉर्टेंट. सिचुएटेड इन द एबडोमन बिहाइंड द स्टमक, एबडोमन रीजन में है, स्टमक के पीछे है, और
अबव द लेफ्ट किडनी, एक साथ मेरे एक साथ बोलो जरा एक मिनट, सिचुएटेड इन द एब्डोमेन, बिहाइंड द स्टमक, अबव द लेफ्ट किडनी. ठीक है, क्या करता है एज एन ब्लड रिजर्वायर, एक्स्ट्रा जो भी ब्लड होता है वो स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट. That's it for today video, and I hope you have learned and understood it very well. The all things are very nicely explained, so I hope you have no problems. If you have any other query regarding this chapter, you can ask me in the comment section. Okay, thank you and bye bye.